राष्ट्रीय समता पार्टी की गठन के बाद रविवार को पहली बैठक हुई। बैठक में शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बैठक में कई कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल कन्नौजिया को अनुसूचित प्रकोष्ठ मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य राजनीति से परिवारवाद को खत्म करना है। राजनीतिक पार्टियां जो जनता से वादे करती हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं करती, ऐसी पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली में राष्ट्रपति तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी को 100 बार फोन करने पर भी ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तो वहाँ चले जाने का फराग पर है जहाँ 2019 में मार्च में जिसको थूक के चले आए थे या कहे थे कि जिंदगी में तुम्हारे तरफ नज़र नहीं उठा कर रखूँगा, और लेकिन एक गलती उन्होंने किया कि थूक के उस पर पानी नहीं डाला। अगर हम होते तो जहाँ थूकते वहाँ पानी डाल देते तो साफ हो जाता। वो बड़ी बुद्धिमान है, छोड़ दिए थूक के कि फिर चाटे का मौका मिल जाएगा, चाट ले। राजनीति में सब जायज है, तो राजनीति में जायज तो अब भाई अब देखिए इसके आगे कुछ बोलवाएंगे तो राजनीति में बहुत सा बात हम खोल देंगे। अभी समझे कि नहीं, कई घटना उनके परिवार की मैं जानता हूँ, तो राजनीति में जायज नहीं होता। ये उसी बात को तो मैं करने के लिए पार्टी बनाया हूँ। उन्होंने स्वीकार किया ना कि राजनीति में सब जायज है, मतलब कि घिनौना काम भी जायज है, सब काम जायज है इसका मतलब उसमें। लेकिन हमारे राजनीति में वो जायज नहीं है। हमारे राजनीति में परिवारवाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं चलने देंगे। इसकी आवाज़ हम दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और परिवारवाद को राजनीति में नहीं।